हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी कि अगर आप बच्चे को तेज बनाना चाहते हैं, लाइक आपने देखा होगा कि कहीं बच्चे पैदा होने के बाद उनकी एक्टिविटीज होती हैं बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनका दिमाग बहुत ज्यादा शार्प होता है। वो रीजन यही होता है कि माँ वो पांच चीजें करती हैं जब बच्चा पेट में होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो अपनी एक्टिविटी शो करता है। आप मानो या ना मानो, बच्चे का विकास आपके पेट से ही होना शुरू हो जाता है। अगर आप बच्चे को तेज बनाना चाहती हैं, अगर आपने बच्चे को सिखाना चाहती हैं, उसकी जो एक्टिविटीज है उस पर गौर करना चाहती हैं, तो आपके पेट में जब वो बच्चा 4 महीने का हो जाता है, 4 महीने का हो जाता है, आपको तब से इस एक्टिविटी पे गौर करना चाहिए। सिर्फ 5 एक्टिविटी करने से आपका जो बच्चा है बहुत तेज होगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका आवाज का एहसास। तो देखो, आपकी आवाज़ का एहसास बच्चे को 23वें हफ्ते से होने लग जाता है। बच्चा आपकी कही हुई हर एक बात को सुनता है, समझता है। तो ये बहुत अच्छा समय होता है जब आपने बच्चे से आप इंटररिएक्ट करते हैं, उससे बातें करते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जब बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो उससे हम क्या बात करें। बट अगर आप एक माँ हैं, आप मेरी इन बातों को समझ सकेंगी कि अपने पेट पर अगर आप हाथ लगाकर उसको सहलाकर अगर उससे बात करते हो तो आपका बच्चा आपको रिएक्ट करता है। और इस टाइम पे अगर आप मतलब किताबें पढ़ेंगी या फिर आप गीत सुनेंगी, भजन सुनेंगी, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप उससे रिलेटेड अगर किताबें पढ़ती हैं, कुछ ऐसा जो आप चाहती हैं कि आपका बच्चा वो अच्छी चीज़ें सीखे, अगर वो करेंगे तो बच्चा देखना आपका रिएक्ट ज़रूर करेगा। अगर आप अपने 23, 24, 25 इन हफ्तों में से किसी हफ्ते में हैं तो आप अभी से ट्राई कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी जस्ट अभी स्टार्ट हुई है तब भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये चीज़ें तो प्रेगनेंसी में करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आवाज़ का एहसास अगर बच्चे को होने लग गया है तो आप उसको अच्छी अच्छी कविताएँ सुनाएं, पोएम्स सुनाए या फिर उसको गीत या भजन सुनाए। अगला है आपका सही खान पान। अब देखो, सही खान पान ना कि माँ के लिए अच्छा फायदेमंद होता है बल्कि बच्चे के लिए भी होता है। अगर आप अपने खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड से बनी चीज़ें या इनके सप्लीमेंट लेती हैं तो बच्चे के मस्तिष्क पे बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। उसका मस्तिष्क बहुत जल्दी डेवलप होता है और एक्टिव होता है, और साथ साथ में बच्चा जो है वो तेज पैदा होता है। अब तेज से मतलब ये नहीं है कि बच्चा आपका हर एक्टिविटी बहुत जल्दी, मतलब आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी माँ या कोई भी उन्हें एक बार कोई चीज़ समझाता है और वो लिटरली वो उनको समझ आती है। वो इसलिए ही होता है क्योंकि माँ का जो खान पान होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट हुआ होता है, तेज हुआ होता है। इसलिए आपको जो अपना खान पान एकदम ठीक रखना है, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड से बनी चीज़ें लेनी है और जितना ज़्यादा हो सके बच्चे का ब्लड जिस चीज़ से भरे, जैसे चुकंदर हो गया, कैरेट हो गई, इन सब चीज़ों का जूस आपको ताज़ा पीना है। अगला है आपका भारी चीज़ों का असर। देखो, भारी चीज़ों का असर कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका पेट पे पड़ने वाली रोशनी हो सकती है, माँ का उठना, बैठना, चलना, सोना, ये सब हो सकता है। मैं थोड़ा सा आपको एलैबोरेट करना चाहूँगी। पेट पे अगर आप रोशनी करते हैं, आप कईयों को तो ये बात नहीं पता होगी बट जो ज़्यादा ही दिमाग लगाते हैं वो क्या करते हैं, नेट पे सर्च करते हैं कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा हम क्या करें, और अपने पेट पे टॉर्च मारते हैं। देखो, अगर आप भी कुछ सोचो कि अगर आपकी भी आंखों में कोई टॉर्च मारेगा आपको कैसा लगेगा। बच्चे की जो आँखें हैं वो 20वें हफ्ते के बाद देखना शुरू कर देती हैं, खुलना शुरू कर देती हैं, और तब उस टाइम के बाद अगर आप बच्चे की रोशनी मारते हो बच्चों की आँख में लगती हैं, जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और बच्चा बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाता है। तो आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी, अपने सोने पे, बैठने पे, मतलब खाने पीने पे तरीके पे थोड़ा सा गौर करना है। सोना है तो लेफ्ट साइड सो, जिससे बच्चे का जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा हो और बच्चे के दिमाग पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन की सप्लाई पहुँचे। ये सब तरीके भी आपके जिम्मेदार होते हैं बच्चे के ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाने में, उसको डेवलप करने में। तो ये सब चीज़ों को भी आपको ख्याल रखना चाहिए। अगला है आपका बुरी आदतों को छोड़ दें। तो देखो, बुरी आदतें कुछ भी हो सकती हैं।
अब इसमें आपका अल्कोहल हो सकता है, ड्रिंकिंग हो सकती है आपका, या फिर एक्सरसाइज अगर आप करती हैं, बहुत हैवी वेट उठाती हैं वो हो सकता है, अगर आपको लाइक जो कच्चे अंडे, कच्चे मांस ये सब खाना है तो वो भी हो सकता है, क्योंकि वो हम एकदम अवॉइड कर देना चाहिए। आपको कोई ऐसी चीज़ें खाने का मन कर रहा है जैसे जंक फूड हो गया, प्रेगनेंसी में यही खाने चाहिए तब भी आप खा रहे हैं, तो वो भी आपको छोड़ देने चाहिए। तो ये सब आपकी बुरी आदतों का ही कारण होता है, बुरी आदतें ही कहलाती हैं, तो आपको ये चीजें छोड़ देनी है, क्योंकि इससे बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। अगर आपको नहीं यकीन होता, आप देख सकते हो कि लाइक आपके आसपास में कि जिस बच्चे का, भगवान ना करे ऐसा कोई हो कि जिसके थोड़ा सा दिमाग से बच्चे का ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ, उनकी माँ से अगर आप उनसे पूछो कि उन्होंने क्या क्या किया था ऐसे प्रेगनेंसी में, आपको ये रीजन जरूर दिखाई देंगे। तो आपको ये सब चीजें भी छोड़ देनी चाहिए। अब मैं बात करूंगी लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि रहता है स्ट्रेस ना ले। अब आप कहीं कहेंगे हम स्ट्रेस लेते थोड़ी देर को स्ट्रेस आ जाता है, डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ इस बात पे कि स्ट्रेस जो है वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हम स्ट्रेस लेना चाहते हैं ये नहीं। अगर आपके दिमाग में कोई बात है जो आपको खटक रही है, या फिर आप इससे कहना चाहते हो कह नहीं पा रहे, या फिर कोई ऐसी बात है, किसी और की बात नहीं है अपनी बात है जो आप इससे शेयर करना चाहते हो, तो देखो ऐसा कोई पार्टनर ढूंढो जो आपकी बात सुनने में, आपको रिस्पॉन्ड करने में, आपकी हर एक बात समझने में आपकी मदद करे और आपको एक सही एडवाइस दे। अगर आप ऐसा पार्टनर ढूंढोगे डेफिनेटली आपको जो स्ट्रेस लेवल है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस रहेगा, आप एक चीज को उतनी बार सोचोगे तो बच्चे तक भी वही चीजें पहुंचेगी, आपका उदास रहना, आपका इमोशनल होना, आपका दिमाग पे जोर डालना, और बच्चे के भी दिमाग पे वैसे ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये चीजें भी छोड़ देनी चाहिए। तो ये वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जो 5 चीजें मैंने आपको बताई कि आप आज से ही करना छोड़ दोगे, या फिर आप करते भी होगे तो डेफिनेटली आप थोड़ा उस पर गौर करोगे। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।